में कोविड नियमों के उल्लंघन के चलते दो बाजारों को बंद कर दिया गया है। बता दें, कोविड 19 संबंधी दिशा निर्देशों का उल्लंघन होने के कारण अधिकारियों ने दिल्ली में दो बाजारों को शनिवार शाम से रविवार को सुबह 10 बजे तक बंद करने का आदेश दिया है। करावल नगर के उपमंडलीय दंडाधिकारी SDM कार्यालय ने शुक्रवार को यह आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया है कि सोनिया विहार पुष्टाचार आधा शनि बाजार ब्लॉक ई और जौहरीपुर शनि बाजार रोड करावल नगर को 1 जनवरी शाम 4 बजे से 2 जनवरी सुबह 10 बजे तक अगले नोटिस तक बंद रखने का आदेश दिया जाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव, खुद को किया होम आइसोलेट, ट्वीट करके दी जानकारी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना महामारी की चपेट में आ गए हैं। उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फिलहाल उन्हें दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके समर्थकों ने उनके स्वास्थ्य के ठीक होने की कामना की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना महामारी की चपेट में आ गए हैं। उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उनकी बॉडी में कोविड 19 के हल्के लक्षण पाए गए हैं। उन्होंने ट्विटर हैंडल से कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी। साथ ही अपने संपर्क में आने वाले लोगों से अपील की है कि वह खुद को आइसोलेट अवश्य करें और कोरोना की जांच कराएं। कोरोना संक्रमण को हल्के में ना ले और कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन करें। मौसम बदलने के चलते पश्चिमी इलाकों के पहाड़ी क्षेत्र पर भारी बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग ने इन इलाकों में दी बारिश होने का संकेत। देश में लगातार दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने से मौसम में भारी बदलाव होने जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 03 से 5 जनवरी के बीच जबकि दूसरा 06 से 9 जनवरी के बीच सक्रिय हो रहे हैं। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मध्यम से भारी बर्फबारी की संभावना जताई है। इसके साथ ही 3 से 9 जनवरी तक सड़क और हवाई परिवहन बाधित होने का अलर्ट जारी किया है। विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि देश में लगातार दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने से 3 जनवरी देर रात से 9 जनवरी पूर्वाह्न तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख और आसपास के पहाड़ी इलाकों में मौसम में भारी उथल पुथल देखने को मिलेगी। कोरोना के मामलों में भारी उछाल, महाराष्ट्र में 12,000, दिल्ली में 4,000, पश्चिम बंगाल में 6,000 मामले सामने आए हैं। बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण के मामले फिर तेजी से बढ़ने लगे हैं। ओमिक्रॉन के मामलों में भी बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि मामलों में बढ़ोतरी के लिए ओमिक्रॉन वेरिएंट कितना जिम्मेदार है यह अभी कहना संभव नहीं है, क्योंकि नए वेरिएंट का पता लगाने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग की जरूरत पड़ रही है और सभी संक्रमितों का जीनोम सीक्वेंसिंग करना बहुत कठिन काम है। परंतु मृतकों की संख्या नियंत्रित रहने से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि ज्यादातर मामले ओमिक्रॉन के ही मिल रहे हैं, भले ही आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हो रही हो। अभी तक के अध्ययन से यह साफ हुआ है कि ओमिक्रॉन संक्रामक ज्यादा है मगर घातक कम है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते केंद्रीय कर्मियों व गर्भवती दिव्यांग स्टाफ को घर से काम करने का आदेश दिया गया है। बता दें कि महामारी कोविड 19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय सरकार ने अवर सचिव स्तर से नीचे के अपने 50% कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दी है। कार्मिक मंत्रालय की ओर से सोमवार को इसके लिए आदेश जारी किया गया है जो 31 जनवरी 2022 तक लागू रहेगा। इसके अनुसार दिव्यांग और गर्भवती महिला स्टाफ को ऑफिस आने से छूट दी गई है। बनाए गए समय सूची के अनुसार अवर सचिव व इससे ऊपर के सभी अधिकारियों को नियमित तौर पर ऑफिस जाना होगा। घर से काम कर रहे स्टाफ व अधिकारियों को टेलीफोन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के जरिए हमेशा उपलब्ध रहना होगा। अपराधों के मामले में साइबर क्राइम पर केंद्र सख्त हो गया है। इसके लिए मैनुअल व न्यूज़लेटर को रिलीज किया गया है। देश में साइबर अपराधों की रोकथाम और ग्रामीण क्षेत्रों, औद्योगिक निकायों और आम जनता में साइबर स्वच्छता को विकसित करने के लिए एक केंद्रित जागरूकता अभियान के तहत केंद्रीय गृह सचिव ने मैनुअल व न्यूज़लेटर जारी किया है। सोमवार को साइबर अपराध की रोकथाम के मद्देनजर 3 मैनुअल और 1 न्यूज़लेटर जारी किया है। यह रिलीज गृह मंत्रालय के साइबर और सूचना सुरक्षा प्रभाग के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र IHRC के अंतर्गत किया गया। क्वार्टरली न्यूज़लेटर साइबर प्रवाह में IHRC से परिचय, 2 तिमाहियों में IHRC की विभिन्न गतिविधियों, अप्रैल जून 2021 और जुलाई सितंबर 2021 से साइबर अपराध के रुझान, पैटर्न, सांख्यिकी, IHRC द्वारा बनाई गई सुविधाएं के लिए प्लेटफॉर्म शामिल है। कोरोना के साथ साथ अब दिल्ली की आबोहवा भी खराब हो गई। आज का AQI 369 है। दरअसल दिवाली के वातावरण में फैली हवा में प्रदूषण की शुरुआत हो गई है, जिससे दिल्ली NCR सबसे अधिक प्रभावित होता है। लेकिन अब जनवरी माह में भी दिल्ली की हवा में प्रदूषण बरकरार है।
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आज आंशिक रूप से बादल छाने और अधिकतम तापमान के 22 जबकि न्यूनतम तापमान के 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। इस बीच मौसम विभाग के पूर्वानुमान से थोड़ी राहत है। दरअसल 5 से 8 जनवरी के बीच बारिश होने की संभावना बताई गई है। गलवन पर प्रोपगंडा फैलाने में जुटा चीन, गलवन घाटी में झंडा फहराने का पुराना वीडियो जारी कर जताई नापाक मंशा। खबरों की माने तो चीन भारत के साथ रिश्तों को सामान्य बनाने को लेकर अभी तैयार नहीं दिख रहा है। गलवन घाटी को लेकर एक वीडियो चीनी सरकार के नियंत्रण वाली मीडिया व मीडिया कर्मियों के सोशल साइट से जारी किया गया है, जो उसकी मानसिकता को बता रहा है। एक तरफ दोनों देशों की सेनाओं के बीच स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा ब्लैक पर मिठाइयों का आदान प्रदान हुआ, तो दूसरी तरफ जिस तरह से गलवन घाटी को लेकर एक वीडियो चीन सरकार के नियंत्रण वाले मीडिया व मीडिया कर्मियों की इंटरनेट साइट से जारी किया गया है। मुंबई गोवा कौडलिया क्रूज जहाज पर सवार 2000 से अधिक यात्री एक चालक दल के सदस्य के कोविड के टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद जहाज पर फंस गए हैं। जब जहाज गोवा पहुंचा, तो शुरुआत में गोवा राज्य सरकार ने इसे डॉक करने की अनुमति से इनकार कर दिया था। बाद में इसे मोरबगांव पोर्ट ट्रस्ट द्वारा बर्थ करने की अनुमति दी गई। सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार यात्रियों को क्रूज शिप छोड़ने की अनुमति तभी दी जाएगी जब स्वास्थ्य कर्मियों की एक टीम आरटीपीसीआर परीक्षण करेगी। यात्रियों का परीक्षण 2 जनवरी को रात 9:30 शुरू हुआ। क्रूज लाइनर में 2017 यात्री सवार हैं। उन सभी यात्रियों को कोरोना वैक्सीन का दोनों टीका लग चुका है। दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता प्रेम चोपड़ा और उनकी पत्नी का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है। 86 वर्षीय अभिनेता और उनकी पत्नी को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर के मुताबिक दोनों को मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल दिया गया है और जल्द ही उन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है। डॉक्टर जलील पाकर ने एक बयान में हाल ही में खुलासा किया कि उन दोनों को मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल मिला है और वे अच्छी तरह से स्वस्थ हो रहे हैं। उम्मीद है कि 1-2 दिन में उन्हें छुट्टी दे दी जाएगी। चक दे, भारत की फेमस एक्ट्रेस विद्या मालवड़े इन दिनों कैलिफोर्निया में हॉलिडे एंजॉय कर रही हैं और अपनी ट्रिप की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर रही हैं। अभिनेत्री ने कैलिफोर्निया में अपने वेकेशन से सबसे अच्छी खूबसूरत अपने स्पोर्ट्सवियर से लेकर बिकनी तक की तस्वीरें शेयर की है। अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अभिनेत्री ने कैलिफोर्निया समुद्र तट का आनंद लेते हुए एक बहुरंगीन बिकनी पहने हुए तस्वीरें साझा की। तस्वीरों में एक्ट्रेस अपनी टोन्ड बॉडी फ्लॉन्ट करते हुए बेहद खूबसूरत लग रही है। इट विभाग एस ग्रुप के ठिकानों पर छापेमारी कर रहा है। एस ग्रुप दिल्ली NCR के सबसे बड़े बिल्डरों में से एक है। एस ग्रुप के चेयरमैन संजय चौधरी समाजवादी मुखिया अखिलेश यादव के काफी करीबी माने जाते हैं।